ASN24 पल पल की खबर। कोविड अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही एक मरीज पर काफी भारी पड़ गई। हरदी बाजार धतूरा निवासी तुलाराम कुर्रे रजगा मार में ACCL कर्मी हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे डिंगापुर स्थित ESIC कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां तुलाराम गिरकर घायल हो गया, जिसकी जानकारी कर्मचारियों ने परिजनों को नहीं दी। जैसे तैसे परिजनों को जब इस बात का इल्म हुआ, तब उन्होंने तुलाराम को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसे लकवा मारने की बात सामने आई। कुछ दिनों तक तुलाराम को उपचार चला, लेकिन एक दिन अचानक उसकी सेहत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। परिजन तुलाराम को लेकर रायपुर भागे, लेकिन बिलासपुर में सेहत काफ़ी बिगड़ गई, लिहाजा वहां के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बावजूद इसके तुलाराम की जान नहीं बच सकी। मृतक के परिजनों ने कोविड अस्पताल के कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान लेने की बात कही है। पापा जी श्री तुलाराम को चार पांच कन्वेयर ऑपरेटर। क्या क्या हुआ था? ये 25 पहले स्वास्थ्य खराब था, सर्दी खांसी मतलब बुखार ज़्यादा था, नॉर्मली इलाज चल रहा था तो छोड़ दे रहा था। फिर उसके बाद लास्ट में कोरोना चेक कराए ACCL मूड़ा पार में, तो कोरोना पॉजिटिव आया। तो अपन पापा तो ठीक ठाक थे और घर में हम लोग होम क्वारंटाइन रह के इलाज करवाना चाह रहे थे। तो वहाँ से 26 तारीख को मेडिसिन मिला शाम को, तो 26 को मेडिसिन खाए और 27 को खाए। फिर उसके बाद 27 को थोड़ा पेचिश टाइप से हुआ और खांसी ज़्यादा हुआ। तो अपन सोचे ACCL में पूछ लेते हैं, एडमिट होता है बोल के मूड़ापार में। तो अपन डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाए थे, तो बोले कि ACCL मूड़ापार में कोविड पॉजिटिव नहीं रखते हैं बोल के, और दो हॉस्पिटल बटाए। तो वहाँ डिंगापुर में अपन एडमिट किए, तो डिंगापुर 27 रात को कंट्रोल रूम में बात करके एम्बुलेंस भेजे 108, फिर डिंगापुर में एडमिट हुए 27 को। फिर 28 को भी अच्छे से बात हुआ, 29 को भी अच्छे से बात हुआ, 30 तारीख को सुबह से लेके शाम तक कोई बात नहीं हुआ। शाम को पापा को कॉल किए, दो मोबाइल दिए थे, कोई उत्तर का जवाब नहीं दे रहे थे। फिर वहाँ नर्स स्टाफ लोग को कॉल किए 30 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक, तो भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लास्ट में जाके कॉल उठाए और बोले कि आपके पापा बेड से गिर गए थे, तो सीरियस है और ICU में रखे हैं। तो अपन मैं बोला फिर मेरे को दूर से जाके साउंड स्पीकर में बात कराइए। तो साउंड स्पीकर में बात किया तो केवल पापा हाँ हाँ बस बोल रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। पहले से कॉल करके बताया कि गिर गए हैं बोल के? नहीं, कोई कुछ नहीं बताया हम लोग को कॉल करके। हम ही लोग कॉल किए तो भी से जवाब नहीं दे रहे थे। क्या हुआ? फिर उसके बाद दीदी लोग भी कॉल किए थे, जीजा लोग, तो उन लोग को बोले बाथरूम में गिर गए थे, हम लोग को बोले कि बेड से गिर गए थे। फिर उसके बाद अपन तुरंत वहाँ से रिफ़र कराए कृष्णा हॉस्पिटल। तो रिफ़र कराए तो मेरे चाचा और फूफा और मेरा भाई गया था, चाचा का बेटा। तो वहाँ से रात को रिफ़र कराए कृष्णा हॉस्पिटल में, और जब निकाले तो बहुत हालत गंभीर था, व्हील चेयर में थे, पूरा ऐसे हालत में थे, पूरा ख़राब हालत में। तो पूरा हाथ से भी ब्लड निकल रहा था, ये पेट यहाँ पर बहुत छीला था, पीछे छीला था, जान तरफ पूरा जो पहने थे उसमें खून ही खून था। कृष्णा हॉस्पिटल में कितने दिन तक रखे थे और कैसा था वहाँ स्वास्थ्य? कृष्णा हॉस्पिटल में 30 तारीख से 7 तारीख तक रखे थे, और कृष्णा हॉस्पिटल में एक दो दिन तो कुछ खा पी नहीं सक रहे थे, होश में भी नहीं थे, और वहाँ लेटे थे तो वहाँ केवल लिक्विड, दो तीन दिन बाद लिक्विड लेना स्टार्ट किए थे, चाय दाल पानी ये सब ले रहे थे। उसके बाद 7 दिन देख लिए, कोई हालत में सुधार नहीं आया, तो अपन रायपुर भी हॉस्पिटल ACCL के थ्रू रिफ़र करा के लेके जा रहे थे। तो बिलासपुर जैसे क्रॉस हुआ तो ऑक्सीजन लेवल घट गया, 30-35 आ गए, तो अपन बहुत घबरा गए। उसके बाद बिलासपुर के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके गए, किम समय लेके गए तो वहाँ नहीं हुआ, श्रीराम केयर बोले डॉक्टर साहब नहीं है, वहाँ नहीं हुआ। फिर महादेव लेके गए, महादेव में हुआ, महादेव में 2 रात रुके। फिर उसके बाद अपन रिफ़र कराए थे BY, उसको कैंसिल करा के किम्स के लिए किए, तो किम समय फिर ACCL के थ्रू रिफ़र होके किम समय एडमिट हुए। किम समय 4 रात रुके,
तो चौथा दिन बाद हम लोग को खबर आया कि नहीं है। तो क्या लगता है किसकी यहाँ पास लापरवाही है? जब घर से जब निकला था तब ठीक था, हाँ, तो किसकी लापरवाही लग रहा है? ये ESI में ज़्यादा लापरवाही हुआ है। पूरा अच्छे खासे में थे और पूरे गंभीर हालत में ESI से निकले। जहाँ जहाँ चोट आया है बोल रहे थे वहाँ से निकाले, तो उसके बारे में आप लोग SSL के प्रबंधक से बात हुआ? ESIC में हम लोग जो छुट्टी कराने गए थे उन लोग पूछे कि क्या है, तो उन लोग बोले बेड से गिर गए हैं, कई लोग बोल रहे हैं बाथरूम में गिर गए हैं। वहाँ टाइल्स वाइल्स लगा है तो गिरेंगे तो वैसा ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, बाहर में ही रोड में लगता है ना वैसी जैसे चोट लगा है। ठीक। कोरबा से KSN 24 के लिए मनोज दिनकर की रिपोर्ट।